हमारे घर में हफ्ते में एक बार तो कढ़ी जरूर बनती है। हम सभी को कढ़ी बहुत पसंद है जी। रोटी और चावल के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी, और कढ़ी बनाते बनाते मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपकी कढ़ी भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए चलते हैं बरिलम किचन में और देखते हैं कि आलू प्याज की कढ़ी कैसे बनती है। पकौड़े वाली कढ़ी तो आपने बहुत बारी खाई होगी, सो लेट्स कम। तो फ्रेंड्स, कढ़ी बनाने के लिए मैंने एक भिगोना लिया है। आप कोई बर्तन ले लें, और इसके लिए मजने के लिए कप ले लें या फिर आप कटोरी भी ले सकते हैं। तो पहले मैं 4 कप डालूंगी दही के। मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है कढ़ी के लिए कि आपको इसमें दही कितना लेना है जो 2 कप हो गए, और बेसन कितना लेना है जो 3रा हो गया, और जी 4, क्योंकि जी मेरे घर का ही बनाया हुआ दही है तो काफ़ी जी ठीक है। अगर आप बाज़ार से दही लाते हैं तो वो थोड़ा अगर पतला है तो आप दही की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो जी 1 कप मैं ऐड कर रही हूँ बेसन जो मैंने छान का रखा हुआ है। पहले से ही मैंने 1 कप जो मेजर कर लिया था, और बाद में उसी में से मैंने दही को मेजर किया है। तो अभी मैं इसमें 1/2 गिलास पानी डालूंगी। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि मेरे घर में 7-8 मेंबर हैं खाने के लिए, तो मैंने इतनी क्वांटिटी यूज़ की है। अगर आपके पास 2 या 3 मेंबर हैं तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा भी, मीन्स की बढ़ा या घटा भी सकते हैं। हमें इसका अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बनाना होता है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, वरना कढ़ी पकने के बाद भी वो लम्स ऐसे ही रह जाते हैं, घुलते नहीं है बीच में। तो इसलिए अच्छे से लम्स को हमें मिक्स करना होगा। तो कढ़ी को पकाने के लिए मैंने एक मोटे तले वाला बर्तन लिया है, कढ़ाई ली है। तो अब हम अपना बैटर इसमें डाल देंगे। ध्यान रहे कि गैस फ्लेम को हमें कम ही रखना है, स्लो रखना है, वरना हमारा जो दही का मिक्सचर है बेसन का वो फट जाएगा। जितना हमने बेसन का मिक्सचर बनाया था उस हिसाब से हम दुगना इसमें पानी ऐड कर देंगे, और हमें इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहना है जब तक कि इसमें एक पहला बॉयल ना आ जाए। इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहें, वरना दही हमारी फट जाएगी और हमारी जो कढ़ी है वो अच्छी नहीं बनेगी। एक छोटा चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। पहले हम कम ही ऐड करेंगे, क्योंकि बाद में हम जब इसको तड़का लगाएंगे तो फिर से हल्दी ऐड करेंगे इसमें। और एक छोटा चम्मच ऐड करेंगे सफ़ेद नमक, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तक कढ़ी में बॉयल आ रहा है तब तक हम क्या करेंगे, एक और पैन मैंने गैस पर रख दिया है, और इसमें मैं ऐड करूंगी तकरीबन 2 कड़छी सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे 1 कटा हुआ आलू, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। अगर आप फ्राई कर आलू कढ़ी में डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इधर हमारी कढ़ी में भी बॉयल आना शुरू हो गया है। जैसे जैसे हमारी सब्जी कुक होती जाती है वैसे वैसे हल्दी भी अपना कलर देने लगती है। आप देख रहे हैं कि ये पहले से काफ़ी येलो कलर हो गया है। तो आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन कलर आ गया है इन पर। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, और निकाल कर हम इन्हें अपनी कढ़ी में डाल देंगे। तो अब मैं फ्राई करने वाली हूँ प्याज। ये मीडियम साइज़ का प्याज लिया था मैंने, और उसे इस तरह से कट कर लिया है। बट इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस ज़रा सा सॉफ्ट ही करना है। तो अभी जो प्याज भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। इससे पहले हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। तो मुझे तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा तेल इसमें से निकाल लूँगी। 2 तेज़पत्ता मैं डालूँगी, 2 लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, और अब ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। जैसे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ऐड कर देंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। कढ़ी में अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, क्योंकि कढ़ी बाय होती है इसलिए। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और 1 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, और 1/2 चम्मच ली है मैंने लाल मिर्च जो कड़वी वाली है, और 1/2 चम्मच लिया है हींग, 1 चम्मच लिया है कसूरी मेथी, और 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने मेथी दाना। इसे मैंने पीस कर रखा हुआ है दरदरा सा, और 1/2 चम्मच मैंने लिया है हल्दी। आप सभी स्पाइसेस अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और नमक मिर्च आप ज़रा
हिसाब से डालिएगा क्योंकि हमने पहले भी करी में डाला हुआ है। तो अब हम ऐड कर देंगे सभी स्पाइसेस हमारे तड़के में और इसे भी अच्छी तरह से सेक लगा लेंगे। मैंने कढ़ी पकौड़े की रेसिपी भी अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वो भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मसाले ने तेल छोड़ दिया है, मेज़ की जो पक चुका है। तो अब हम इसे कढ़ी में ऐड कर देंगे। इसे निकाल कर इस तरह से हम कढ़ी में ऐड कर देंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमने प्याज छोटे करके रखे हुए थे इन्हें भी ऐड कर देंगे। अब इसे 5 से 7 मिनट के लिए फिर से पकने देंगे ताकि जो मसाले स्पाइसेस का वो टेस्ट है वो कढ़ी में मिल जाए। तो इसे ढक देते हैं और पकने देते हैं। तो कढ़ी को पकते हुए फ्रेंड्स 8 मिनट हो चुके हैं और हमारी कढ़ी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनी है हमारी कढ़ी, आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती है, ना ही ज़्यादा बॉटी है ना ही ज़्यादा थिक है, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये और थिक हो जाएगी। तो अब आप इसे रोटी या फिर चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।